हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राउंड शेप हैंडबैग बनाएंगे और ये हम मैक्रम से बनाएंगे। इसे आप चाहें तो ऊन से भी बना सकते हैं। इसमें हमने दोनों पोर्शन पे ये चौड़ी स्ट्रिप लगाई है, जिससे हमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसके लिए हमने 4 mm का मैक्रम यूज़ किया है, क्रीम और रेड कलर में। और इसके लिए हमने 5.5 mm का क्रोशिया यूज़ किया है और ये दो रिंग लिए हैं मीडियम साइज़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना बैग बनाना। इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और रिंग के अंदर से 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6 और ये 7। सेवन सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से हम धागे को खींच के फर्स्ट और लास्ट चेन को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 3 चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम स्पेस में एक और इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद इनको जॉइंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे एक साथ बनेंगे। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन स्पेस में भी इसी तरह से हम ये हमने 1 हाफ डबल क्रोशे बनाया है, ये हमारे 2 हाफ डबल क्रोशे बन गए। सेम स्पेस में ही एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और इनको जॉइंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशे एक साथ बन जाएंगे। 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से हाफ हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए इनको जॉइंट करेंगे। टू चेन्स लेंगे, इसी तरह सभी चेन्स में हम हाफ हाफ डबल क्रोशे एक साथ बनाते हुए इनको जॉइंट करेंगे तो ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे एक साथ बनेंगे। ये हम 7 टाइम्स बनाएंगे और फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने 7 हाफ हाफ डबल क्रोशे करके 7 टाइम्स हमने 3 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा कलर चेंज करेंगे।
इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में इस तरह से जॉइंट करते हुए यहाँ पे हम दूसरा कलर चेंज करेंगे। थ्री चेन्स लेंगे, सेम, और ये जो जहाँ पे हमने जॉइंट किया है सेम स्पेस में हाफ हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसमें हम फर्स्ट जो बनाएंगे इसके लिए हम सिर्फ टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे क्योंकि हम चेन को भी काउंट करेंगे, तो ये हमारे थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनेंगे। टू चेन्स लेंगे और फर्स्ट चेन में इसी तरह से थ्री हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। और इनको जॉइंट करेंगे। टू चेन्स लेंगे और ये चेन स्पेस में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे और फर्स्ट चेन में जो हमारा चेन स्पेस है उससे नेक्स्ट जो चेन है उसमें भी थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे, चेन स्पेस में भी इसी तरह से थ्री हाफ डबल क्रोशे बना के जॉइंट करेंगे। टू चेन्स लेंगे और नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हम अपना नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशे एक साथ, फिर चेन में बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। इसी तरह से टोटल हम 14 थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए हम रेड कलर लेंगे। अब थ्री चेन्स लेंगे ये चेन स्पेस में टू हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। जॉइंट करेंगे, टू चेन्स लेंगे, फर्स्ट चेन में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे।
टू चेन्स लेंगे, चेन में इस तरह से थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे, फर्स्ट चेन में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे, टू चेन्स लेंगे और इसी तरह चेन स्पेस में और फर्स्ट चेन में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाते हुए टोटल 28 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने क्रीम कलर का धागा लिया है, जॉइंट करके टू चेन्स बनाएंगे। इस तरह से चेन स्पेस में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे। इस राउंड में हम अब यहाँ पे चेन स्पेस में थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाने के बाद चेन में नेक्स्ट चेन में नहीं बनाएंगे, दूसरा जो हमारा थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनेगा वो चेन में ही बनेगा, चेन स्पेस में ही बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे और इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में सिक्स टाइम्स थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम्स हम ऐसे बनाएंगे, सिक्स टाइम्स हमने थ्री डबल क्रोशे अलग अलग चेन में बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशे जो है चेन में बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे और जो हमने अपना नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है वो हम नेक्स्ट चेन में ही बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे जैसे हमने सिक्स टाइम्स अलग अलग चेन स्पेस में थ्री डबल क्रोशे बनाए थे, उसी तरह अब हम ये टू थ्री डबल क्रोशे एक साथ बनाने के बाद अब हम चेन स्पेस में फाइव टाइम्स अलग अलग चेन स्पेस में हम थ्री डबल क्रोशे फाइव टाइम्स बनाएंगे। फाइव टाइम्स थ्री डबल क्रोशे अलग अलग चेन स्पेस में बनाने के बाद टू चेन्स लेंगे और नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे और
नेक्स्ट चेन में हम अपना 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे। अब 3 टाइम्स अलग अलग चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे। नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन्स लेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में बनाएंगे 3 डबल क्रोशे एक साथ। टू चेन स्पेस लेंगे। नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। टू चेन स्पेस लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। टू चेन स्पेस लेंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाने के बाद टू चेन स्पेस लेंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 4 टाइम्स 3 डबल क्रोशे के पेयर बनाए हैं। नेक्स्ट चेन में 1 बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 1 टाइम्स 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 4th राउंड में भी कहीं पे सिंगल 3 डबल क्रोशे बनाए हैं, कहीं पे हमने पेयर 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाए हैं, और इस राउंड में भी हम टोटल 28 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम 5 3 डबल क्रोशे चेन स्पेस छोड़ेंगे रिंग डालने के लिए। नेक्स्ट राउंड के लिए, जहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ है,
वहीं से दो चेन लेंगे और पीछे की तरफ घुमाते हुए नेक्स्ट चेन स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम वन वन डबल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे, इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बना के जॉइंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट चेन स्पेस में वन और टू, इस तरह से टू डबल क्रोशे बनाए हैं नेक्स्ट चेन में। नेक्स्ट चेन में भी हम टू डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने चेन बना के थ्री डबल क्रोशे बनाए हैं अलग अलग। इसी तरह नेक्स्ट चेन स्पेस में भी हम थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे, वन टू थ्री। नेक्स्ट चेन स्पेस में भी इसी तरह से थ्री डबल क्रोशे अलग अलग बनाएंगे, वन टू थ्री। इस तरह से हम हर चेन स्पेस में थ्री थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए एक चेन लेंगे और इस तरह से बैक साइड घुमाते हुए हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हम हर चेन स्पेस में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने क्रीम कलर से एक राउंड सिंगल क्रोशे का बनाया था, उसी तरह से हम लास्ट राउंड सिंगल क्रोशे का ही बनाएंगे रेड कलर से। अब हम यहाँ पे रिंग लगाएंगे। इसके लिए इस तरह से अब हम चेन स्पेस में से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। मैक्रम हमारा थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको निकलने में। इसी तरह से अब हम सेकंड चेन में भी टू डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। ये हमने पूरे रिंग के ऊपर से भी सिंगल क्रोशे बना लिए हैं कि हमारा रिंग इसमें मैक्रम से हमने अच्छी तरह से इसको या रिंग को जॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट राउंड के लिए बीच में हम जो बैग के बीच में स्पेस रखेंगे उसके लिए अब हम स्ट्रिप बनाएंगे। इसके लिए सेवन चेन लेंगे, सेवन चेन लेने के बाद टू चेन एक्स्ट्रा लेंगे और नेक्स्ट
चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में वन वन डबल क्रोशे बनाएंगे। थ्री चेन्स लेंगे, पीछे की तरफ घुमाते हुए जहाँ पे हमने चेन बनाई है उस स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी चेन्स में डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद थ्री चेन्स लेंगे, फर्स्ट चेन स्किप करते हुए सेकंड चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चेन स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाते हुए हम ये इस तरह से एक लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। ये मैंने 37 राउंड डबल क्रोशे के बनाए हैं। इसमें हमने जैसे 7 चेन्स ली थी, अगर आपको थोड़ी छोटी बनानी है तो आप इसमें 5 या 6 चेन भी लेके बना सकते हैं। 5 या 6 चेन बना के हम इसकी चौड़ाई कम कर सकते हैं। और लेंथ में हमने 37 राउंड बनाए हैं, आप चाहें तो इससे कम राउंड भी बना सकते हैं। जितना आपको ऊपर से बैक का स्पेस छोड़ना है उतने ही स्पेस से हम स्ट्रिप की लंबाई रखेंगे। अब हम इसमें स्ट्रिप जॉइंट करेंगे। ये मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। अब हम इनके दोनों पार्ट्स के बीच में स्ट्रिप जॉइंट करेंगे। स्ट्रिप जोड़ने के लिए अब हमने यहाँ पे 6 चेन का स्पेस छोड़ा है और हम बैक साइड का पोर्शन और ये स्ट्रिप सिंगल स्टिच बनाते हुए जॉइंट करेंगे। इस तरह से हर चेन में से निकालते हुए सिंगल स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से हर चेन में से निकालते हुए सिंगल स्टिच बनाते हुए हम एक तरफ से स्ट्रिप को जॉइंट करेंगे और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हम जॉइंट करके दोनों तरफ से सिंगल स्टिच बनाते हुए स्ट्रिप को बैक के साथ जॉइंट करेंगे।
ये देखिए, ये हमने इसमें दोनों तरफ दोनों पार्ट्स पे स्ट्रिप्स को जोड़ दिया है। ये हमारा बैग रेडी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।